स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगु मेरी जजेस खत पर अपनी राय है और इसके बुनियादी ढांचे पर बात करता हूँ। अगर खत लिखा गया तो इन बुनियादी ढांचे के मुताबिक तैनाती कैसे होती है, अगर बुनियादी ढांचे ने इसकी तैनाती वाजे कर दी सब सामने आएगा। आज के इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं सर? इंतखाबात अच्छा, ये जो कमीशन वाला मामला है इसके ऊपर सर जिलानी साहब ने माजरत कर ली है और नया सात रुकनी बेंच बन गया। अब तो सब लोगों की तसल्ली होगी जो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल साइड की वजह से मामले को देखना चाहिए। देखिए मेरा अब मैं इस पर एक अपनी राय रखता हूँ और मेरी राय जो है वो बुनियादी तौर पे बुनियादी ढांचे में, मैं बुनियादी ढांचे पे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो ख़त लिखा गया अगर जुडिशल प्रोसेस में इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर ऐसे कोई मामलात जो अलज किए गए हैं दरपेश आते हैं तो फिर वो बुनियादी ढांचे की जजमेंट कहाँ जाती है जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंट का बिल्कुल इसको एक बुनियादी ढांचे की तशरीह देकर कि जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके कंडक्ट तक को वो खुद देखेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलता है, एक नई बहस खुलती है। यानी जहाँ कहीं भी दुनिया में ट्राइकोटमी ऑफ पावर होती है उसमें कुछ चेक एंड बैलेंसेस के निज़ाम में दैट नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज की बहस तो आती है और अगर बुनियादी ढांचे ने ये तय कर दिया कि उनकी अपॉइंटमेंट्स सीनियोरिटीज़ उनकी सारी मामलात जो हैं जुडिशरी के वो उन्होंने उसकी एक तशरीह कर दी और मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रादर एक्सक्लूजन ऑफ दैट बेसिक स्कीम ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर थी वो जजमेंट। तो आज जब पहला टेस्ट पड़ा तो उसी में वो फेल हो गए, ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है। इंशाल्लाह हम सारी सीटें जो हैं ये जो पार्टीज़ के अपने अपने वोट्स हैं उसके मुताबिक वो जीतेंगे। पीपल्स पार्टी को कैसे मनाया कर सर सामने देखिए, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का एक अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट सपोर्ट करने का एक दूसरे को और जहाँ पर जिसकी जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके मुताबिक वो हर मामले पे अपनी बातचीत करके मामलात को आगे चलाते हैं। थैंक यू सर।